सो अब हम लोग इसको ये वाले प्रोग्राम को एक बार करके देखते हैं, ठीक है? क्या है s इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे ऐसे करके, मतलब एक्चुअली में क्या है, ये ऑड नंबर का सीरीज का एडिशन है। ये क्या है? ऑड नंबर। और हर दो ऑड नंबर के बीच में गैप कितना होता है? दो का, जो हम लोग को पता है, इतना तो पता ही है। सो ये वाला प्रोग्राम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को n लेना होगा, तो पूरा प्रोग्राम में हम लिख ही देते हैं एक बार में। क्लास एबीसी, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन, यहां पे ले लेते हैं हम लोग इंट n, ओके। देन यहां पे हम लोग को सम करना है, तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा इंट s इक्वल टू 0, इसी में हम लोग का सम होके एडिशन होगा। देन हम लोग लिखते हैं अपना लूप। सो फॉर i इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1, देन i लेस देन इक्वल टू n, i इक्वल टू i प्लस 2, i इक्वल टू i प्लस 2, देन फॉर लूप के अंदर गए, क्या लिखेंगे s इक्वल टू s प्लस i। यहां पे कमेंट करते थे, कमेंट एक्चुअल पे यहां क्या हो रहा है, एडिंग अप, क्या एडिंग अप ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग ने फॉर लूप को क्लोज कर दिया, सो यहां पे फॉर का क्लोजिंग, एक बार फॉर लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अगेन सम ऑफ द गिवेन सीरीज, सम ऑफ द गिवेन सीरीज इज प्लस एस, ओके। आप लोग लिख लेना, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, सम ऑफ द गिवन सीरीज इज डबल कोट्स में क्लोज प्लस एस, ठीक है। यहां पे फॉर का क्लोजिंग हुआ, अब यहां पे स्टैटिक ब्लॉक का क्लोजिंग हुआ मेन का, यहां पे किसका क्लोजिंग हुआ मेन का, और इसके बाद क्लास का क्लोजिंग होगा, समझ आ गया। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या होता है। सो मानिए हम लोग ने आई इक्वल टू, किसी ने आके बोल दिया कान में कि आई नहीं एन, एन इक्वल टू 11, सो एन इक्वल टू 11, तो हम लोग का सीरीज क्या जनरेट होगा अगर एन 11 है, हम लोग का सीरीज जनरेट होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ये हम लोग का सीरीज जनरेट हुआ। और इसको ऐड करके आप देखिएगा कितना आएगा, अभी तो पता नहीं है, अभी हम लोग करेंगे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, देखते हैं, ठीक है। सो इसको रन करना चालू करते हैं, सबसे पहले कहां आएगा प्रोग्राम, यहां, सो i इक्वल टू 1, फिर यहां से कहां जाएगा कंडीशन के पास, तो ये हो गया सेकंड स्टेप, ये हो गया फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, देन अगर ट्रू हुआ तो यहां पे आ गया, तो ये हो गया थर्ड स्टेप हमारा, फिर यहां से क्या बाहर जाएगा, नहीं, यहां से कहां जाएगा अपडेशन के बाद, तो यहां हो गया, ये हो गया फोर्थ स्टेप, देन अगेन यहां से कहां जाएगा आई लेस देन इक्वल टू एन पे, ये हो गया फिफ्थ स्टेप, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप विल रिपीट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, सो आई इक्वल टू 1 है, हाँ भाई है, क्या आई लेस देन इक्वल टू एन, इसका मतलब, और एन हम लोग ने 11 डाल दिया, तो यहां पे एन ऑटोमेटिकली कट कर क्या आ चुका है, एन ऑटोमेटिकली हट के क्या आ चुका है, 11 आ चुका है, ठीक है। सो क्या आई लेस देन इक्वल टू एन, सो इसका मतलब क्या 1 लेस देन इक्वल टू 11 है, ट्रू, अंदर गया एस इक्वल टू एस प्लस आई, तो एस खुद कितना था, जीरो, जीरो था, तो जीरो प्लस आई, आई कितना है 1, तो एस इक्वल टू जीरो प्लस 1, एस इक्वल टू एस प्लस आई था, तो एस खुद कितना था, जीरो, आई था 1, तो एस में कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, इसमें कितना आ चुका है 1, देन यहां से अगेन आई इक्वल टू आई प्लस 2 हुआ, तो ये पहला इटरेशन हुआ, देन आई इक्वल टू आई प्लस 2 हुआ, सो आई कितना बन गया, आई इक्वल टू 1 प्लस 2 बन गया 3, देन यहां से अगेन यहां पे आया i लेस देन इक्वल टू n, सो i लेस देन इक्वल टू n, n तो 11 है, तो यहां पे 11 लिख देते हैं, i कितना है 3, सो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 11 है, ट्रू, अंदर गया, अंदर जाके अगेन s इक्वल टू s प्लस i, तो s खुद कितना बन चुका है 1, तो s इक्वल टू 1 प्लस i, i कितना है 3, तो 1 प्लस 3 कितना बन गया 4, सम में कितना आ गया 4, तो ये हम लोग का सेकंड इटरेशन, समझ आ रहा है सबको। Then, यहां पे देखते हैं, देन अगेन आई इक्वल टू आई प्लस 2 हुआ, सो आई खुद कितना था, आई था 3, तो 3 प्लस 2 कितना बन गया 5, ठीक है। देन अगेन चेक हुआ, क्या आई लेस, यहां पे कर लेते हैं, क्या आई लेस देन इक्वल टू एन है,
सो इसका 11, एन तो 11 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11. सो क्या 5 लेस देन इक्वल टू 11 है? ट्रू. अंदर गया, अंदर जाके क्या हुआ देखिए, s इक्वल टू s प्लस आई हुआ, ठीक है. सो s खुद कितना था 4, तो कितना आ गया 4 प्लस आई, आई कितना है 5, तो s में कितना आ गया 9 आ गया, s में कितना आ गया 9. देन ये हो गया हम लोग का थर्ड इटरेशन, ठीक है. देन अगेन i इक्वल टू i प्लस 2 हुआ, सो i कितना बन गया, i कितना बच गया था 5, तो 5 प्लस 2 हुआ बन गया 7. सो क्या 7 लेस देन इक्वल टू 11 है? यहां से यहां हुआ, क्या 7 लेस देन इक्वल टू 11 है? ट्रू. अंदर गया, अंदर गया, अंदर अगेन s इक्वल टू s प्लस i, बट s कितना बन चुका 9, तो s इक्वल टू 9 प्लस i, i कितना है 7, तो 9 प्लस 7 कितना आ गया 16, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16. सो यहां पे हम लोग का 1 2 3 4 फोर्थ इटरेशन हुआ. अब हम लोग अपना फिफ्थ इटरेशन देखते हैं, फिफ्थ इटरेशन हम लोग यहां पे देख लेते हैं, ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, यहां पे. सो यहां पे देख लेते हैं, सो यहां पे देखते हैं हम लोग. सो अब आई इक्वल टू अगेन आई प्लस टू हुआ, सो आई आई कितना बन चुका था 7, तो 7 प्लस 2 हो गया कितना बन गया 9. सो क्या 9, सो क्या 9 लेस देन इक्वल टू 11 है? ट्रू. अंदर गया, अंदर गया, अगेन s इक्वल टू s प्लस i हुआ, सो s खुद कितना बन चुका है 16, तो 16 प्लस 9 कितना आ गया 25. देन अगेन नेक्स्ट इटरेशन हम लोग यहां पे देख लेते हैं, देन अगेन i इक्वल टू i प्लस 2 हुआ, i बन गया 9 प्लस 2 11. क्या 11 लेस देन इक्वल टू 11 है? हाँ भाई है. ट्रू. अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, s इक्वल टू s प्लस i हुआ, तो s खुद कितना था 25 प्लस 11, s प्लस i 25 प्लस 11 कितना आ गया 36, कितना आ गया 36. अगेन i इक्वल टू i प्लस 2 हुआ, i प्लस 2 हुआ, तो i कितना था, i था 11, 11 प्लस 2 हुआ कितना आ गया 13, बट 13 क्या लेस देन इक्वल टू 11 होता है? हो गया फॉल्स. तो जैसे ही यहां पर फॉल्स हुआ, जैसे ही यहां पे फॉल्स हुआ, सीधा लूप का बाहर, जैसे ही यहां पे फॉल्स हुआ सीधा लूप के बाहर, और लूप के बाहर क्या लिखा हुआ है, SOPLN सम ऑफ द गिवन सीरीज इज प्लस s, तो हम लोग का आउटपुट क्या दिखेगा, सम ऑफ द गिवन सीरीज इज एंड 36. सो ये था हम लोग का, ये प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं और पूरा इसका अंडरस्टैंडिंग. सो सबको अच्छा से समझ आ चुका होगा, बहुत ही ज्यादा इजी है, ये बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है, चलते अब. सो हम लोगों ने देखा था कि कैसे वाइट बोर्ड में हम लोगों ने देखा था कैसे ऑड नंबर का सीरीज को प्रिंट करते हैं, वही अब हम लोग ब्लूजे में करके देख लेते हैं. सो हम लोग तो स्कैनर से करने वाले, सो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन क्लास ऑड, क्लास सीरीज ही नाम दे देते हैं, क्लास सीरीज स्टैटिक वॉइड मेन, ओके. देन हम लोग स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सो स्कैनर सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ओके. उसके बाद हम लोग n ले लेते हैं जो यूजर देने वाला है, सो int n इक्वल टू 0, देन एक मैसेज प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर द नंबर n फॉर विच यू वॉन्ट टू प्रिंट the series, print the series, ठीक है. यहाँ पे for की जगह till लगा दो, till which you want to print the series, ठीक है. इसको हम लोग कर देते हैं close, semicolon, enter, फिर n equal to sc dot next प्रिंट हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिससे हम लोग लूप चलाने वाला है, सो int i, सो फॉर int i इक्वल टू 1
सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल टू एन सेमीकोलन आई इक्वल टू आई प्लस टू। ठीक है, एक हम लोग और वेरिएबल ऊपर लेना होगा जिसमें हम लोग एडिशन करने वाले हैं, सो इंट एस इक्वल टू जीरो सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एस इक्वल टू एस प्लस आई सेमीकोलन, एंटर दे दिए। एक बार फॉर लूप खत्म होगा देन हम लोग प्रिंट कर लेंगे, सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट देन द सम ऑफ द गिवन सीरीज इज एन इज प्लस एस को हम लोग प्रिंट कर देंगे। ठीक है, देन इसको क्लोज कर दिए, इसको क्लोज कर दिए, देन हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल इंट आई यहाँ पे तो है, ओ सॉरी यहाँ पे आई इक्वल टू वन होगा। कंपाइल क्लोज, देन हम लोग इसको रन करते हैं, सो एंटर द नंबर, सो हम लोग दे देते हैं 11, सो हम लोग का आ गया 36। ठीक है, सो प्रोग्राम हो गया कंप्लीट।